हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है 25th ऑफ अगस्त से लेके 31st ऑफ अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अप्रेंटिस, प्रिंस, द हर्मिट एंड द लवर्स। ओके, तो हमारे पास है द हर्मिट और द लवर्स। अजीब बात है स्कॉर्पियंस, एक तरफ तो ये पर्सन आपके बहुत करीब नज़र आ रहा है, ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, डीपली कनेक्टेड है। द लवर्स का कार्ड यहाँ है, जो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि आप दोनों सोल लेवल पे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, इमोशनली भी आप बहुत क्लोज हैं, मगर फिर भी ये पर्सन तैयार नहीं है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके कन्फेशन का आपको इंतज़ार है कि हाँ वो आप में इंटरेस्टेड है, आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। या फिर ये आपका एक्स हो सकता है जो आपके लिए फीलिंग्स को अपने अंदर ही सप्रेस कर रहा है, उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ये फीलिंग्स एक दिन गायब हो जाएंगी। या फिर हो सकता है ये आपका पर्सन जिससे फिलहाल आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच कुछ दूरियां हो सकती है किसी वजह से। तो द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन आपके बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा है, लॉस्ट महसूस कर रहा है, सोच रहा है कि द लवर्स के बिना लाइफ क्या है, मतलब आपके बिना वो कंप्लीट नहीं है। जब तक वो आपको वापस नहीं पाते, तब तक वो दुनिया को दोबारा से फील नहीं कर सकते, वो एक्साइटमेंट उन्हें महसूस नहीं होगी। इस पर्सन को लगता है कि आप सोर्स हैं जॉय का, आप सोर्स है हैप्पीनेस का, आपने उनके लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं, मगर फिर भी द हर्मिट के कार्ड के साथ इस वीक में इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि ये आगे बढ़े और आपको अपना प्यार ऑफर करें। प्रिंस के कार्ड के साथ इस पर्सन की नज़र में आप उनसे कहीं ज़्यादा परफेक्ट हैं, आप उनसे कहीं ज़्यादा कंप्लीट हैं और उन्हें ज़रूरत है आपकी। ये पर्सन जानता है कि अगर आप उनके साथ नहीं होंगे तो दूसरा कोई हो सकता है, मगर उसका मतलब होगा बस कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, एंड वो ये पर्सन नहीं चाहता। तो द हर्मिट के साथ ये कुछ इनर स्टडी भी कर रहे हैं। हर्मिट हमेशा दुख और अकेलेपन के बारे में ही नहीं होता, हर्मिट हमारे सबकॉन्शियस से हमारी मीटिंग करवाता है, हमें मिलवाता है और हमें ये सोचने में मजबूर करता है कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए और हम में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें सुधार करना है, खुद पे वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। तो हर्मिट का कार्ड यहाँ पे वही कर रहा है। अप्रेंटिस के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि शायद साइलेंट रहने से काम खुद ब खुद बन जाएगा, आप उन तक खुद चले आएंगे और उन्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी जगह पर बैठ के नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन किसी तरीके का गेम खेल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कोई माइंड गेम खेलना चाहता है आपके साथ, क्योंकि मुझे लगता है ये वर्क करेगा। जब भी वो आपसे दूर जाते हैं आप उनके बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं या उनके बारे में बहुत कंसर्न हो जाते हैं, तो ये पर्सन आपका अटेंशन खींचना चाहता है पर एक टॉक्सिक वे में, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। ओके, इस पर्सन को अभी बहुत कुछ सीखना है अप्रेंटिस के साथ। इस पर्सन का ये जो बिहेवियर है वो बहुत ही इमेच्योर और इरेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी है उससे डील करना इस पर्सन के लिए ज़रूरी है। इस पर्सन को अपने ही नेगेटिव एक्सपेक्ट में देखने की ज़रूरत है और इसीलिए यूनिवर्स ने ये सिचुएशन क्रिएट की है कि ये पर्सन कुछ समय अपने साथ बिताए और समझे कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि इस पर्सन के लिए लर्न करना ज़रूरी है कि उनकी खुशियों के लिए प्यार ज़रूरी है। इनफैक्ट कंप्लीट होने का सेंस उन्हें आपसे ही मिलता है। अभी तक इस पर्सन को लग रहा था कि शायद वो अकेले भी खुश रह सकते हैं, ये पर्सन ऐसा शो कर रहा हो सकता है जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ आपके बिना भी परफेक्ट है, बट
टैरो उनसे बार बार पूछ रहा है कि क्या आप यही चाहते हैं, और फिलहाल ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहा है तो कुछ समय तो आपको लग ही जाएगा यहाँ पे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें, 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। एस ऑफ सन, फोर ऑफ स्टार, द चैरियट, जस्टिस एंड इनिशिएट। ओके, तो हमारे पास है फोर ऑफ स्टार्स। फोर ऑफ स्टार्स के साथ इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है जैसे उन्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये पर्सन चाहेगा कि आप उनकी तरफ ध्यान दें। इस पर्सन को आपकी मदद की ज़रूरत है। ये पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, बट प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन चाहता है कि आप इनिशिएटिव लें, इनिशिएट के कार्ड के साथ। बट सच ये है कि ये पर्सन जानता है कि ये होना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि गलती किसकी है या किसको चीज़ों को ठीक करना चाहिए। जस्टिस के कार्ड के साथ इस पर्सन को पता है कि आपका जस्टिस का सेंस स्ट्रांग है। आप जानते हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या आपको मिलना चाहिए। तो जस्टिस के साथ चीज़ें परफेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको ठीक करना है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, तो आपको बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस का कार्ड वैसे भी काम करेगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लेते या नहीं करते, तो भी ये पर्सन पूरी तरीके से अभी हील नहीं हुआ है या अपने आप को समझ नहीं पाया है। जस्टिस का कार्ड उन्हें और भी ज़्यादा अपने करीब लाएगा। जस्टिस का कार्ड उन्हें और भी ज़्यादा ट्रुथ को समझाएगा, और जस्टिस के साथ ये पर्सन ग्रो करेगा तो चीज़ें अपने आप बदलेंगी। और हमारे पास द चैरियट का भी कार्ड है। द चैरियट का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि फिलहाल आपको लग सकता है कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, एक डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं, बट आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस पर्सन को टाइम दीजिए ग्रो करने का, इस पर्सन को टाइम दीजिए समझने का सारी चीज़ें। बिकॉज जब तक ये नहीं होगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ओके, तो बेसिकली टैरो आपको यही कह रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, और आपको अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी का काम है वो इस पर्सन को करना है, और द हर्मिट के साथ इस पर्सन को पता है कि उन्हें क्या करना है। तो वक्त के साथ चीज़ें अपने आप बदलेंगी। यहाँ पे एस ऑफ सन भी है, तो एस ऑफ सन के साथ आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। आप दोनों जानते हैं एक दूसरे की अहमियत। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन नहीं जानता कि उन्हें आपकी कितनी ज़रूरत है। इनका सबकॉन्शियस इन्हें याद दिला रहा है। इनफैक्ट इन्हें अच्छी तरीके से महसूस हो रहा है कि अगर इन्हें खुश रहना है तो उन्हें आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन काफ़ी वक्त अपने जीवन में अकेला ही रहा है, और अब और आगे अकेला नहीं रहना चाहता। स्पेशली जब आपके जैसे पर्सन कोई मिल गया उन्हें, तो फिर वो क्यों अकेले रहे। तो यहाँ पे इस पर्सन के मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, इसीलिए हो सकता है ये ज़्यादा कुछ बोले ना या रिएक्ट ना करें। इस पर्सन को हील करने दीजिए, इस पर्सन को खुद पे वर्क करने दीजिए। एंड मीनवाइल आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कीजिए। इस पर्सन को ये समझने की ज़रूरत है कि इन्हें मैच्योरली इस सिचुएशन से डील करना है। अगर उन्हें ये एस ऑफ पेंटिकल चाहिए, तो उन्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा। अगर हर चीज़ उन्हें अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनके सोच में कुछ प्रॉब्लम है, और उन्हें आपको भी स्पेस देना सीखना पड़ेगा। और एस ऑफ सन का एक और मतलब है यहाँ पे, वो ये कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि एक बार अगर आप उन्हें मिल गए, एक बार इस रिलेशनशिप में आ गए, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सीधे तौर पे कहा जाए तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा हो सकता है।
एंड वही चीज़ बदलने की ज़रूरत है, इसीलिए ये पर्सन इस हर्मिट मोड में गया है और आप चीज़ों को जल्दी ही चेंज होता हुआ देखेंगे. ओके ये पर्सन वक्त के साथ, जस्टिस के साथ अपने आप अपने लेसन सीखेगा. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. द मैरियम सीक्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि फिलहाल पास्ट की चिंता मत कीजिए, किसने क्या कहा क्या किया उस डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. आपको जरूरत है इस वक्त खुद पे फोकस करने की ताकि आप हील कर सके, और अगर इस तरह की बातें आपके दिमाग में चलती रहेगी तो आप परेशान रहेंगे और खुद को हील नहीं कर पाएंगे. तो इस वक्त जरूरत है अपने लाइफ की लाइट को देखने की और इस पर्सन के अंदर की भी लाइट को देखने की. मतलब ये पर्सन जानता है कि आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर शायद इस वक्त वो चीज़ ईगो के पीछे मास्क हो गई है. इस पर्सन को कुछ लर्न करने की ज़रूरत है और कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत है, तो उनको अपने ऊपर वर्क करने दीजिए. और याद रखिए कि लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो लव हर चीज़ से ऊपर उठ ही जाता है, तो एंड में लव अपना काम कर ही देगा. ओके तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.